मार्केट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं देश के सबसे नए राज्य तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में। एक जमाने में आईटी कैपिटल का गढ़ हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट ठप पड़ गया था तेलंगाना मसले के चलते, लेकिन इस मसले के सुलझते ही इस मार्केट में एक तरह से नई जान आ गई है। रियल्टी मार्केट में फिर से नई फुर्ती आई है, उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसे वक्त में जब पूरे देश भर के मार्केट में सेल्स ठंडे पड़े हुए हैं, हैदराबाद के मार्केट में सेल्स और लॉन्चेस दोनों काफी तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए ले लेते पहले हैदराबाद मार्केट का जायजा, उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ के एक पोटेंशियल ग्रोथ एरिया में अपकमिंग प्रोजेक्ट। उत्तर पश्चिम हैदराबाद में 151 एकड़ पर फैला इसी हाईटेक सिटी से हैदराबाद को साइबराबाद का नाम मिला है। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, अमेज़न, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी नामी आईटी कंपनियों के ऑफिस यहां पर हैं। अब जाहिर है ये हैदराबाद का आईटी हब है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतरीन ही होगा। हाईटेक सिटी का अपना एमएमटीएस स्टेशन तो है ही, साथ ही जल्द शुरू होने वाले मेट्रो का भी इस इलाके को फायदा होगा। आउटर रिंग रोड इसे एयरपोर्ट और हैदराबाद शहर के दूसरे इलाकों से जोड़ता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, मॉल हो या 5-स्टार और बिजनेस होटल्स या फिर स्कूल और अस्पताल, ऑप्शंस की यहाँ कोई कमी नहीं है। अब जाहिर है जहाँ नौकरी होगी वहाँ मकानों के लिए भी अच्छा खासा डिमांड रहेगा, और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में ये इलाका एक पसंदीदा रेजिडेंशियल मार्केट के तौर पर भी उभरा है। अपने टारगेट सेगमेंट को नजर में रखते हुए यहाँ बन रहे ज्यादातर मकान भी 2 से 3 बेड वाले मिड प्रीमियम सेगमेंट के मकान हैं, और इनकी कीमत 4 से 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के बीच है। हाईटेक सिटी में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, लोढ़ा ग्रुप और प्रेस्टीज जैसे कई नामी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। दरअसल जानकार तो बताते हैं कि निवेश के नजरिए से भी ये इलाका हैदराबाद में बेस्ट चॉइस है। हैदराबाद के कुकटपल्ली और हाईटेक सिटी के बीच बन रहे रेनबो विस्टाज एट रॉक गार्डन में शो फ्लैट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें। रेनबो विस्टाज हैदराबाद की खासियत है इसकी लोकेशन। करीब 70 एकड़ पर फैला ये प्रोजेक्ट ठीक हाईटेक सिटी और कुकटपल्ली इलाकों के बीच बनेगी, यानी बड़े छोटे निवेशक के पसंदीदा हाईटेक सिटी कुकटपल्ली गच्चीबावली आईटी कॉरिडोर का इसे पूरा फायदा मिलेगा। 3 फेज में बन रहे इस प्रोजेक्ट का पहला फेज बिक चुका है। अब फेज 2 यानी रेनबो विस्टा सेट रॉक गार्डन पर काम जारी है, जहां 22 एकड़ पर बनेंगे 2 3 BHK और 3+1 BHK मकान वाले 13 टावर। 20 मंजिल वाले ये टावर के साथ बनेगा 1,00,000 स्क्वायर फीट पर फैला लीजर स्पेस। इसमें 7 एकड़ का सेंट्रल पार्क होगा, बिजनेस सेंटर, कार वॉश, स्पा, डे केयर फैसिलिटी और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं होंगी। कॉम्प्लेक्स के बीच पत्थरों पर बनेगा हिल टॉप क्लब हाउस। रेनबो विस्टा सेट रॉक गार्डन को लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन भी मिला है, यानी ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली भी है। दूसरे फेज में भी कंपनी 4 टावर का पोजीशन दे चुकी है और दिसंबर 2018 तक बाकी टावर का भी पोजीशन देने की योजना है। तीसरे फेज में प्रीमियम मकानों के साथ मॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस और स्कूल कॉलेज बनेंगे। साइबर सिटी डेवलपर्स को उम्मीद है कि 2020 तक ये प्रोजेक्ट वो पूरा कर पाएंगे। रेनबो विस्टा सेट रॉक गार्डन में शो फ्लैट देखने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि पहले देखेंगे उसे बनाने वाली कंपनी की अपनी कहानी। 6 साल में 10,00,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का सप्लाई। 2008 में शुरू हुई कंपनी साइबर सिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने बहुत कम वक्त में हैदराबाद के रियल्टी मार्केट में अपना नाम बनाया है। अशोका बिल्डर्स और सीरियल एंटरप्रेन्योर वेणु विनोद की यह कंपनी ऑफिस और मकान दोनों बनाता है, और इनके ज्यादातर प्रोजेक्ट प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। कंपनी अपनी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज के लिए मशहूर है और उसके ज्यादातर प्रोजेक्ट बड़े फॉर्मेट के डेवलपमेंट है, जहां मकानों के साथ वो स्कूल, बैंक जैसी सुविधाएं भी देते हैं। हाईटेक सिटी में बन रहा इनका प्रोजेक्ट रेनबो विस्टास एक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है, जो कि कंपनी ने वर्क, लिव, लर्न एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बनाया है। यहाँ पर कंपनी 1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया बनाने वाली है, जहाँ पर 60,00,000 स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल स्पेस बनेगा और 32,00,000 स्क्वायर फीट में ऑफिस।
प्रोजेक्ट में एक 5-स्टार होटल भी बनाने की योजना है और 50 लाख स्क्वायर फीट का मॉल भी। रेनबो विस्टास कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कुल मिलाकर साइबर सिटी डेवलपर्स मार्केट में करीब 100 करोड़ रुपए वैल्यू के प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है। हैदराबाद के दो बिजनेस हब कुकटपल्ली और हाईटेक सिटी के बीच बना है रेनबो विस्टास। इस प्रोजेक्ट में आपको शो फ्लैट हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Presents Aavaz Overdrive. Aavaz Overdrive presented by Servo. Add Servo. Add Life. जब खबरों के कारोबार में आपको कारोबार की खबरें ईमानदारी से लानी हो, तो काम आसान नहीं होता। हमारी तैयारी भी जरूरी है, ताकि हम आपको तैयार कर सकें हर उस खबर के लिए जिसका असर आप और आपके प्रॉफिट पे पड़ता हो। पूछने पड़ते हैं खुद से कई सवाल, ताकि आपके हर सवाल का जवाब दे सके हम। CNBC आवाज, 10 सालों से देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। अब वक्त हो गया है कि हम आपको रेनबो विस्टास के फेज 2 यानी रेनबो विस्टास एट रॉक गार्डन में शो फ्लैट दिखाएं। जो शो फ्लैट हम आपको आज दिखाएंगे वो एक 3 BHK फ्लैट है, यानी 3 बेडरूम का फ्लैट है। इसका सेलेबल एरिया है 2160 यानी 2160 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया है 1600 स्क्वायर फीट यानी 1600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपको इस फ्लैट में मिलेगा। तो चलिए देखें शो फ्लैट। पहले आपको इस फ्लैट का लेआउट समझा देते हैं। दरवाजा खुलते ही आपको एक लंबा सा लिविंग एरिया दिखेगा। अब इस लिविंग एरिया के दोनों तरफ कमरे बनाए गए हैं। लिविंग एरिया जो है एक कनेक्टर का भी काम करता है। यहाँ पर लिविंग एरिया के एक तरफ है आपका गेस्ट बेडरूम, एक पाउडर रूम जो आपके डाइनिंग एरिया से जुड़ा हुआ है और आपके बच्चों का बेडरूम, और लिविंग एरिया के दूसरी तरफ है आपका किचन, आपका पूजा रूम और आपका मास्टर बेडरूम। अब चलिए बात करें फ्लैट के लिविंग एरिया के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, काफी लंबा लिविंग एरिया आपको यहाँ पर दिया गया है और जैसे आप देख सकेंगे डेवलपर ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आता है वो हिस्सा जो दरवाजा खुलते ही आपको दिखेगा। 15x10 का एक सीटिंग एरिया बनाकर दिया गया है जिसे वो लिविंग एरिया कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 बड़े-बड़े सोफे लगे हुए हैं, कारपेट लगा हुआ है, उसके बाद भी काफी जगह है यहाँ पर चलने फिरने की। ये जो लिविंग एरिया है खुलता है आपके डाइनिंग एरिया पर और एक तरफ पाउडर रूम में। अब जो डाइनिंग एरिया है यहाँ पर 18.5x10 का स्पेस आपको दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 6 लोगों के बैठकर खाने के लिए टेबल यहाँ सजा हुआ है, उसके बावजूद काफी जगह है यहाँ पर घूमने फिरने, यानी स्पेशियसनेस का पर क्या खास ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो आपके डाइनिंग एरिया के आगे है और एक सीटिंग एरिया या एक लिविंग एरिया आप कह सकते हैं। 11x9 का स्पेस दिया गया है यहाँ पर आपको, और जैसे आप देखेंगे यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सोफा लगा हुआ है, एक एंटरटेनमेंट यूनिट बनाया गया है, उसके बाद भी काफी स्पेशियस ये नजर आता है। ये खुलता है आपके अपने बालकनी या सिट आउट में, 11x6 का स्पेस है। अब आपको बता दें कि पूरे लिविंग एरिया में आपको विट्रिफाइड टाइल्स के फ्लोरिंग मिलेंगे, लेकिन जो बालकनी है वहां पर एंटी स्किड टाइल्स लगे हुए हैं आपके सेफ्टी के लिए। तो ये था आपका लिविंग एरिया और लिविंग एरिया से ही जुड़ा हुआ है आपका पाउडर रूम। चलिए आपको और पाउडर रूम दिखाएं। तो ये है इस फ्लैट का पाउडर रूम। 4.5x6 का स्पेस यहाँ पर दिया गया है और जैसे आप देख सकते हैं एक वॉश स्टैंड दिया हुआ है, एक टॉयलेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है और डाइनिंग एरिया से इजी एक्सेस है आपके मेन लिविंग एरिया से यहाँ पर इजी एक्सेस है। गेस्ट बेडरूम के बगल में ये बना हुआ है, यानी आपके मेहमानों को आपके घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आपके मास्टर बेडरूम या जो आपके जो बेडरूम से वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इस पाउडर रूम का वो इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी आपका भी प्राइवेसी जो है मेंटेन रहेगा। ये वो पाउडर रूम। चलिए देखें फ्लैट का किचन। तो ये है इस फ्लैट की किचन। 11.5x10 का स्पेस आपको दिया जा रहा है, एक तरीके से ओपन किचन है लेकिन आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी क्योंकि फ्लैट के कोने में जो है ये किचन बना हुआ है।
चलिए आपको किचन के बारे में बता देते हैं। आपको मेरे पीछे यहाँ पर व्हाइट काउंटर टॉप नजर आएगा। आपको बता दें कि ये शो फ्लैट के लिए बना हुआ है, लेकिन जो फ्लैट आपको मिलेगा उसमें ब्लैक मार्बल के काउंटर्स आपको मिलेंगे। साथ ही आपको मिलेगा एक स्टेनलेस स्टील सिंक। जो बाकी मॉड्यूलर किचन आपको दिख रहा है वो आपको खुद बनवाना पड़ेगा। अब आपका ये जो किचन है उसके एक तरफ और एकदम डाइनिंग एरिया के करीब एक वॉश स्टैंड बना हुआ है, यानी अगेन आपके कन्वीनियंस पर खास ध्यान रखा गया है। खाना वगैरह खाने के बाद हाथ धोने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहमानों को घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये जो किचन है वो खुलता है एक यूटिलिटी एरिया पर। 5x6 का स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप अपने वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। यहीं पर आपका सर्वेंट टॉयलेट भी बना हुआ है। सर्वेंट टॉयलेट में 5x4 का स्पेस दिया गया है। किचन के एक तरफ है आपका स्टोर रूम। अब स्टोर रूम में 6x4 का स्पेस रखा गया है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। तो ये हुआ आपका किचन एरिया जो अपने आप में एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस फ्लैट के बाकी बेडरूम्स और पूजा रूम। आपके किचन के करीब है आपका पूजा रूम। 5.5x4 का स्पेस है ये, और इसके करीब है आपका मास्टर बेडरूम। लेकिन मास्टर बेडरूम आपको आखिर में दिखाएंगे, चलिए पहले आपको दिखाते हैं घर के बाकी दो बेडरूम। चले तो ये है आपका गेस्ट बेडरूम। 14x11 का स्पेस आपको यहाँ दिया गया है। ठीक आपके लिविंग एरिया के करीब है ये और पाउडर रूम के करीब है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इस गेस्ट बेडरूम से जुड़ा हुआ है एक बाथरूम जहाँ पर आपको 6x9 का स्पेस दिया जा रहा है। इस बाथरूम में भी आप देखेंगे कि टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज आपको दिए जा रहे हैं। आपका गेस्ट बेडरूम खुलता है उसके अपने बालकनी पर। हालांकि ये बालकनी हम आपको इस वक्त नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये शो फ्लैट है जिसमें बालकनी नहीं बने हुए, लेकिन आपको ये मिलेगा जरूर। तो ये हुआ आपका गेस्ट बेडरूम। जैसे आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, क्वीन साइज बेड लगा हुआ है, कबर्ड्स है, वार्डरोब बने हुए, उसके बाद भी यहाँ पर चलने फिरने की काफी जगह इस बेडरूम में आपको नजर आएगा। ये हुआ आपका गेस्ट बेडरूम। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस फ्लैट का किड्स बेडरूम। ये तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि किड्स बेडरूम है। 12x15 का स्पेस यहाँ दिया गया है। वही टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज यहाँ पर भी मिलेंगे। दो बड़ी बड़ी खिड़कियां आपको इस रूम में दी गई है, यानी बच्चे जो है खुलापन महसूस करेंगे। काफी जगह है, साथ ही हवा और रोशनी की यहाँ पर बिल्कुल कमी होनी नहीं चाहिए। इस बेडरूम से जुड़ा हुआ एक बाथरूम भी है। 5x8.5 का स्पेस इस बाथरूम में भी दिया गया है, और यहाँ पर भी उसी तरह के टॉप ऑफ द लाइन सैनिटरी वेयर वगैरह दिया गया है। तो ये हुआ आपका किड्स बेडरूम। चलिए अब आपको दिखाए इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। घर के एक कोने में दूसरे कमरों से बिल्कुल अलग है आपका मास्टर बेडरूम। 17x12 का स्पेस आपको इस बेडरूम में दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चलने फिरने की बहुत सारी जगह है। एक क्वीन साइज डबल बेड लगा हुआ है, वार्डरोब बना हुआ है, उसके अलावा एक चेयर भी रखा है, शेल्व्स भी रखे हुए, उसके बावजूद काफ़ी स्पेस आपको इस बेडरूम में नज़र आएगा। और आपको बेडरूम के फर्श पर जो है वुडन फ्लोरिंग दिखेगा। आपको बता दें कि जो फ्लैट आपको दिया जाएगा उसमें भी आपको इसी तरह के वुडन फ्लोरिंग मिलेंगे। अब बेडरूम से जुड़ा हुआ है आपका बाथरूम। यहाँ पर आपको मिलेगा 9x5.5 का स्पेस। यहाँ पर भी वही टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट इस बाथरूम में अगर देखें तो मार्बल के टाइल्स लगे हुए हैं यहाँ पर भी, यानी लग्जरी का एहसास देने पर खास ध्यान जो है रखा गया है। आपका ये जो बेडरूम है उससे जुड़ा हुआ है आपका अपना बालकनी। 4x6 का स्पेस आपको इस बालकनी में दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो है एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग में आपको दिए गए हैं। तो ये हुआ आपका मास्टर बेडरूम। अब पूरा घर तो आपने देख लिया, अब चलिए देख लेते हैं इस फ्लैट की कीमत। रेनबो विस्टा से रॉक गार्डन में शो फ्लैट तो आपने देख लिया, चलिए अब आपको बताएं कि उसकी कीमत क्या है। तो जो फ्लैट हमने देखा वो एक 3BHK यानी 3 बेडरूम वाला फ्लैट है। बिल्ट अप एरिया है 2160 यानी 2160 स्क्वायर फीट, और कारपेट एरिया है 1600 यानी 1600 स्क्वायर फीट। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में 4300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट
का रेट चल रहा है जो कि बेस प्राइस है। इसके अलावा आपको देने पड़ेंगे कार पार्किंग के चार्जेस। आप 3 BHK फ्लैट ले रहे हैं तो आपको खरीदना होगा 2 कार पार्क, साथ ही आपको देने होंगे एमिनिटीज चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, फ्लोर राइज जो लगेगा 5वें मंजिल के ऊपर अगर आप फ्लैट बुक करते हैं तो, और लीगल चार्जेस। तो ये सब जोड़कर इस तरह की फ्लैट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको देने होंगे करीब 98 लाख रुपए। यानी आपकी बेस प्राइस शुरू होगी 98 लाख रुपए से। यानी इस तरह का फ्लैट अगर आपको लेना है तो करीब करीब 1 करोड़ का बजट मान कर चले। तो ये हुआ इस शो फ्लैट की बात। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे वेणु विनोद जो कि है साइबर सिटी डेवलपर्स के MD। देश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों। मैं भी यार अच्छा खेल लेता था, ओपनिंग बैट्समैन, पार्ट टाइम बॉलर। अगर किसी लीग वीग में सिलेक्ट हो जाता ना तो लाखों क्या करोड़ों कमाता, करोड़ों। दिल से खेलता था यार तेरा भाई, दिल से। पर ना सिलेक्शन के दिन यार सिलेक्टर का साला सिलेक्ट हो गया, फिर क्या, दिल टूटा और गेम छूटा। दिल से बहुत खेला, अब दिमाग से खेलो। सैमको प्रेजेंट्स इंडियन ट्रेडिंग लीग पावर्ड बाय CNBC आवाज, जहां आप ट्रेड और इन्वेस्ट करके जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए, बन सकते हैं इंडिया के स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर और साथ ही जीत सकते हैं कई और शानदार इनाम। रजिस्टर नाउ ऑन IndianTradingLeague.com। देखिए चाय पर चर्चा दोपहर 3:30 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया हैदराबाद में बन रहे रेनबो विस्टास। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में और हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है साइबर सिटी डेवलपर्स के MD मिस्टर वेणु विनोद। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए, बहुत बड़ा लेआउट है आपका यहाँ। जी हाँ। USP क्या है प्रोजेक्ट का? देखिए ये हमारा 70 acres का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट फेज में 450 अपार्टमेंट्स निर्माण कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू आवर IT हब, जो साइबर टावर्स वगैरह हैं, जो हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसके बहुत करीब है। और रोड नेटवर्क सिटी और हाईटेक सिटी के बीच में जो आता है लोकेशन, इसके वजह से देर लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स आर इन डिमांड हियर। राइट। जब मैं आ रही थी हैदराबाद एयरपोर्ट से आपके साइट तक, मैंने देखा कि मेट्रो बन रहा है। जी हाँ। और मेरे ख्याल से एक रेलवे स्टेशन भी यहाँ से करीब है। जी। और कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आसपास में जिसका फायदा इस प्रोजेक्ट को हो सकता है? देखिए इधर जो है हमारा हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन जो है, इसमें हमारा MMTS जो लगभग 15 साल से चल रहा है, MMTS काफ़ी करीब है। और हैदराबाद HMR हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी आ रहा है, वो लेस देन 0.5 किलोमीटर इस साइट के लिए है। ये साइट जो है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, जो HMR और मेट्रो रेल के बीच में है। इसके वजह से हमारे लोग को सिटी में आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, एंड वी आर हैविंग ऑल 100 feet रोड्स कनेक्टेड टू दी प्रॉपर्टी, वेयर बाय वी कैन रीच सिटी एंड हाईटेक सिटी वेरी फास्ट। यानी आप बेहतरीन लाइफस्टाइल दे रहे हैं, कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ। तो किस तरह का अप्रिसिएशन आपने देखा इस प्रोजेक्ट में, कितने में आपने लॉन्च किया था और खत्म होते होते कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद? अभी हम ये प्रोजेक्ट जो है 2,300 रुपये स्क्वायर फीट में लॉन्च किए थे, जो लगभग 2010 ईयर में। अभी हम 4,300 रुपये पर स्क्वायर फीट बेच रहे हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगी, हमारा एस्टिमेशन है कि हम 6,000 रुपये तक पहुंच जाएंगे। दैट इज आवर एस्टिमेशन। अप्रिसिएशन की आप 3,000? जी हाँ, जी हाँ, उम्मीद रखते हैं। तो ये तो हुआ आपके इस प्रोजेक्ट की बात। हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा था कि तेलंगाना मसले के वजह से बहुत सालों तक ये एक तरह से ठप था। जी हाँ। अब आप क्या देख रहे हैं? जी, अभी जो है हमारे गवर्नमेंट जो है वेरी स्टेबल गवर्नमेंट है। वी हैड आवर चीफ मिनिस्टर हैज कम विद गुड मेजॉरिटी, और चीफ मिनिस्टर काफ़ी प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। ये रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा देख रहे हैं,
वी आर हैविंग फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट 15 ईयर्स हमारे पास जो है बिजली, इस समर में बिजली तो जा नहीं रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट इन द फर्स्ट फेज. देन द रोड्स ही इज़ प्लानिंग टू मेक लॉट ऑफ हाईवेज हैपनिंग. दे आर बिग पीपल लाइक शाहपुर जी पालन जी जो है 20,000 करोड़ की जो रोड प्रोजेक्ट्स पे सहायता करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं. एंड लॉट ऑफ IT कंपनीज आर साइनिंग. अभी जो हाल ही में गूगल साइन किया है टू फॉर देयर एडिशनल एरिया इन हैदराबाद. IKEA जो फर्नीचर कंपनी है स्वीडिश कंपनी, वो लोग भी हैदराबाद में ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले चुके हैं. और मेरे ख्याल से अभी आपने एक 500-600 करोड़ की डील भी देखी है. तो ये बताइए, ये सब जो आपको कमर्शियल स्पेस में दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है, उस तरह की तेजी क्या आपको रेजिडेंशियल मार्केट में अभी नजर आया है? सेल्स कैसे दिख रहे हैं आपको फिलहाल? अब काफ़ी इंक्वायरी लेवल काफ़ी बढ़ चुके हैं एंड डेफिनेटली वी हैव शोन एटलीस्ट 25-30% हाइक इन सेल ऑफ आवर प्रोडक्ट. इसके अलावा हम हमारे हैदराबाद इज़ नोन फॉर फार्मा सिटी. वी हैड ह्यूज फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो लगभग 15-20 साल से एक्सपेंशन नहीं आ रही थी हैदराबाद में, क्योंकि देर वॉज अ बैन इन फार्मास कंपनीज एक्सपेंडिंग. Now the ban has been removed and every pharma company is expanding. Hum next 2-3 years mein we have feel there will be a huge scope of employment for people in pharma industry, or definitely the requirement of apartments and all will go up. मतलब जो 90s में जो IT बूम देखा था वो फार्मा बूम देखने फार्मा और IT दोनों में भी आ सकती हैं. इस बूम को आप किस तरह कैप्चर करेंगे? आपके कंपनी के लिए किस तरह के प्लान्स हैं इस साल में, आने वाले 3-5 साल में किस तरह का सप्लाई आप लेकर आएंगे? देखिए, अभी तो हमने 2,800 फ्लैट्स की निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 800 ऑलरेडी हैंड ओवर है, 2,000 तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये 2 साल में हैंड ओवर हो जाएगा. हम थर्ड फेज ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं. दिस शुड हैपन बाई अर्ली 2016 यही लोकेशन में, जो हमने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट के साथ मिल के कर रहे हैं प्रोजेक्ट. ये 34 फ्लोर्स की होगी. अब तक हमने 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना रहे हैं. 34 फ्लोर्स की बिल्डिंग जो थर्ड फेज में होगी, उसमें डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट मच मोर एडवांस्ड फीचर्स देन व्हाट ऑलरेडी वी आर गिविंग. और वो 3,400 फ्लैट्स की लॉन्च कर रहे हैं. सो दिस वी एक्सपेक्ट इन आवर करेंट प्रोजेक्ट will definitely sell by about 2020 or 2021. We want to hand over those projects. तो ये तो आपका ये current location हुआ, लेकिन एक तरह से जो stencil आया था market में project launches में, जी हाँ, अब क्या आप नए projects और launch करेंगे? Definitely, we are already looking at new projects. हमने दो नए projects sign किए हैं. एक project जो है मियापुर area of city में है, वहाँ हमने 70 acres की project sign किए हैं, where we are planning to go in for विलास, रेजिडेंशियल विलास प्रोजेक्ट में जा रहे हैं. और एक हाईटेक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में हम एक प्रोजेक्ट साइन किए हैं, वेर वी वांट टू बिल्ड अराउंड 1,240 अपार्टमेंट्स. वो भी लगभग 2016 में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं. राइट सर, एक्साइटिंग टाइम्स फॉर द हैदराबाद मार्केट. थैंक यू वेरी मच. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. और शुक्रिया आपका भी, आपने हमारे साथ वक्त बिताया. लौटेंगे अगले हफ्ते, हैदराबाद में ही रहेंगे किसी और लोकेशन में कोई और प्रोजेक्ट के साथ. नमस्ते. प्रेजेंटेड बाय RR काबल. वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम.